हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नया यू नो पॉजिटिवली सम अप कर पा रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही है। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द गोल्डन टाइम पीरियड। गोल्डन टाइम पीरियड, डेफिनेटली यस। मैंने गोल्डन टाइम पीरियड के ऊपर पहले भी एक दो बार रीडिंग्स करी हैं एंड यू गाइज लव देम अलॉट एंड अगेन आई गॉट द गाइडेंस फॉर द लव बोल रही हूँ मैं एंड अगेन आई गॉट द गाइडेंस फॉर द गोल्डन टाइम पीरियड। और गोल्डन टाइम पीरियड की बात हो रही है 2025 के अंदर, यानी कि आज की जो ये रीडिंग है ना, ये टोटली बेस्ड होगी 2025 के लिए। सो दिस इज द सेकेंड पॉजिटिव रीडिंग फॉर द 2025। पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाया था जिसके अंदर मैंने कुछ 2025 के अंदर होने वाली चीजों के बारे में आप लोगों को बताया था। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम जानने वाले हैं दैट व्हेन योर ब्यूटीफुल गोल्डन टाइम पीरियड विल कम इन दिस 2025 प्लस 2025 में जब ये गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा होगा तो वो कौन सी एक चीज है जो आपको मिलकर रहेगी, इस चीज को आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे परमात्मा भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि इस चीज को आपने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी डेस्टिनी के अंदर फॉर 2025 लिखवाया हुआ है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। एंड आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपके पर्टिकुलर डेट के हिसाब से भी मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम यू नो निकाला है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, ठीक है। सो 20 तारीख वालों का गोल्डन टाइम पीरियड 2025 में कब शुरू होगा, कब खत्म होगा के बारे में मैंने एक पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई है जो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट पिन होगा उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करें आज की रीडिंग, चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स की तरफ आते हैं हम लोग, पाइल सिलेक्शन की तरफ आते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। यू गाइस कैन हैव अ लुक, सो ब्यूटीफुल। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, द टाइगर आय, ठीक है, द टाइगर आय, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज आप लोगों ने पिक करने हैं क्रिस्टल्स को और इन क्रिस्टल्स की एनर्जी और इन क्रिस्टल्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को एंड देखते हैं कि आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो कब शुरू होगा, कैसी आपकी एनर्जीज होंगी उस वक्त, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो कौन सी एक चीज है जो आपको मिलकर के ही रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन टाइम पीरियड के बारे में, आपको पता ही है इस चीज के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि गोल्डन टाइम पीरियड क्या है, आपका कब से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है देखने के लिए आपको आपकी ओरिजिनल डेट का पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज मैंने विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी आप लोगों के लिए इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एक चार्ट पूरा का पूरा बनाया हुआ है, उसको जाकर के आप चेक इन कीजिएगा, आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब से शुरू होने वाला है, ठीक है, एंड आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और कौन सी चीजें यू नो आपको करने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। अगर आपने इस ब्लू एमेथिस्ट को पिक किया था, दिस ब्लू एमेथिस्ट, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने ब्लू एमेथिस्ट को पिक किया है, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं टैरो से देखना चाहती हूं कि जब गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो आप लोगों की एनर्जी कैसी होगी, ठीक है।
आप लोगों की एनर्जी कैसी होगी, आप लोगों की ऊर्जा कैसी होगी, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी आपकी जिंदगी में क्या होगा। प्लस वाओ, खुद से गिराइए कार्ड, इसको लेके जरूर। प्लस हम ये भी चेक इन करेंगे कि ऐसी वो कौन सी एक चीज है जो कि आपको आपके गोल्डन टाइम पीरियड में मिल करके ही रहेगी। एंड ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, मैं आपको कुछ रेमेडीज या कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए आपके गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर। प्लस ऐसी कुछ चीजों से आपको अवगत कराऊंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आपके गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर। सो फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें प्लीज। सेकेंड कार्ड है एट ऑफ सोल्स। थर्ड कार्ड है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इट्स टेन ऑफ कप्स। कप्स की ऊर्जा ज्यादा है यहां पर, क्योंकि देखो एस ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि कर्क वृश्चिक मीन, ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि हिंदी में बता दिया कीजिए, तो चलिए मैंने बता दिया आपको। तो कर्क वृश्चिक और मीन, इन राशियों के एनर्जीज में आप काफी ज्यादा रहेंगे, इन राशियों की ऊर्जा में आप बहुत ज्यादा रहेंगे आपके गोल्डन टाइम पीरियड में। और ऐसा क्यों, ऐसा मैं बताती हूँ आपको। जब किसी इंसान की जिंदगी में उसे वो मिल जाए जो वो काफी अरसे से चाह रहा था, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा सोच में पड़ जाएगा, काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज में आ जाएगा, काफी इमोशनल हो जाएगा। एंड इमोशन स्टैंड्स फॉर कप्स, ठीक है, वॉटरी एनर्जी। इमोशन स्टैंड्स फॉर कप्स, वॉटर एनर्जी, एंड वॉटर एनर्जी कौन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सो आप लोग उस वक्त, चाहे अभी आपकी राशि जो भी हो, चाहे आप अर्थ साइन से रिलेट करते हैं, चाहे आप फायर साइन के एलिमेंट हैं, या फिर आप चाहे एयर साइन है, जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो आप काफी ज्यादा इमोशनल, काफी ज्यादा यू नो अटेंशन सीकिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। तीसरा, आप काफी ज्यादा यू नो ओवर थिंकिंग के रिलम में रहेंगे। प्लस आप लोगों से सिंपथी, लोगों को सिंपथी देने वाली ऊर्जा में भी रहेंगे, कि लाइक आपको कहीं ना कहीं लोग सिंपथी दे रहे हैं या आप लोगों को सिंपथी दे रहे हो। और आप काफी ज्यादा इस ऊर्जा में रहोगे कि भैया मैं देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है पहला कार्ड। अब देखो ये इस इंसान को इतना सब कुछ मिल गया कि ये कैसे उछल रहा है, ठीक है, तो वो जो उछलने वाली ऊर्जा है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी है। अब जैसे हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जिसको पा करके हम बहुत खुश है, तो हम कैसे कैसे डिफरेंट आवाजें निकालते हैं ना, यस, अरे मुझे पता था, वेरी गुड, ऐसा ही होना था मेरे साथ, ये मेरे साथ हो गया है, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिससे हम अपने जॉय को व्यक्त करते हैं, अपने आनंद को दिखाते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो आई एम सीइंग हियर, आई एम सेंसिंग कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको खजाना मिल गया है आपके गोल्डन टाइम पीरियड के दौरान। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे खजाना है, लॉट्स ऑफ कप्स आर देयर, येलो एनर्जी बहुत है। तो गोल्डन टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं और गोल्डन कार्ड ही हमारे पास गिरा है, एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये अंधेरों को खत्म कर रहा है। तो आपकी जिंदगी के जितने भी अंधेरे हैं, अंधेरे इन सेंस कुछ ऐसी डार्क चीजें जो आपको पसंद नहीं है, चाहे फिर वो लोगों के साथ आपके कनेक्शंस हो, चाहे फिर वो किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी हो, चाहे रोना धोना हो, जो भी डार्क एलिमेंटल फोर्सेस है ना आपकी लाइफ की, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आप इस कार्ड को देखो, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। ये कार्ड आज मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, ये कार्ड मुझे ऐसी वाइब्रेशन दे रहा है कि ये जो बंदी है ना, ये अपने आप को मिरर में देख रही है। एंड पहले जब ये अपने आप को देखती थी ना, तो ये काफी ज्यादा डाउन, नेगेटिव, परेशान रहती थी, लेकिन जब उसका गोल्डन टाइम पीरियड आया तो उसने अपने आप को ऐसे देखना शुरू किया है, ठीक है, कि यस मैं आजाद हूं,
आप कहीं ना कहीं आजादी मनाने वाले हो. एंड दीज क्रोज जो एग्जैक्टली इस कार्ड की डिपिक्शन है ना, वो है कि एक जो क्रोज है ना, यानी कि जो आपके कह सकते हो कि एंसेस्टर्स है, या आप कह सकते हो कि आपकी बहुत सारी कुछ डार्क नेगेटिविटीज हैं आपके आसपास, उन्होंने आपको जकड़ रखा है, बांध रखा है. लेकिन ये कार्ड आज मुझे पता है कौन सी वाइब्रेशन दे रहा है. ये कार्ड मुझे वाइब्रेशन दे रहा है दैट एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन इन योर लाइफ. इवन आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपकी मदद कर रहे हैं. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको आपके एंसेस्टर से बहुत सारा प्यार मिलेगा उस समय, और आप अपने आप को ना फ्री महसूस करेंगे. फालतू की जितनी भी चीजें हैं ना, उनसे काफी ज्यादा फ्री महसूस करेंगे. एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है. आपके मन में जो प्यार है परमात्मा को लेके, आपके मन में जो प्यार है ईश्वर को लेके, आपके आसपास के जो लोग हैं जिनमें आप यकीन करते हैं, चाहे फिर वो आपके देवता हैं, चाहे फिर वो आपके एंसेस्टर्स हैं, है ना, पूर्वज हैं, चाहे फिर वो जो भी हैं जिनके अंदर आपको बहुत बिलीव है ना, चाहे आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनके ऊपर आपको बहुत प्यार आएगा. आपको यूनिवर्स पे बहुत प्यार आएगा. आपको ऐसा लगेगा कि यही तो मैं संभाव चाहती थी, एंड फाइनली इट इज हैपनिंग इन माई लाइफ. इवन बॉटम ऑफ द डेक 10 of Cups का कार्ड है, और इस 10 of Cups की ऊर्जा मुझे पता है क्या दिखा रही है. मुझे यहाँ पर दिखा रही है कि आप कितना ज्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और आप उनकी हर ख्वाहिश हर इच्छा को पूरी करते हुए खुश रहोगे. आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में वो सब होगा जो आप कहीं ना कहीं चाहते थे. सुकून की ऊर्जा है यहाँ पर कुल मिलाकर के. किसी प्रकार का कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं है. सुकून है, शांति है, क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, है ना. और कहीं ना कहीं आपको आप महसूस कर पाओगे अपनी लाइफ को ना, एक बदलते हुए पैटर्न में फील कर पाओगे. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने अब अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब हम देखते हैं योर लाइफ इन गोल्डन टाइम पीरियड. अब मैं यहां कुछ कार्ड्स निकालूंगी, तो जो लोग शफलिंग देखना पसंद करते हैं वो डेफिनेटली देख सकते हैं, एंड जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो थोड़ा सा आगे टैप टैप कर दें. बॉटम ऑफ द डेक इट्स सौरो. सौरो की ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो. वेरी गुड. क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं. वन मोर टाइम. थैंक यू. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है. एंसेस्ट्रल लव कार्ड नंबर 8. ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्विक. देखिए पहले आपकी लाइफ देख लेते हैं. स्लोइंग डाउन, द रिसेप्टिविटी, द थंडरबोल्ट एंड द रिबेल. नाइस. यहां पर है द मदर अर्थ, न्यू स्पिरिट मून एंड द मेडिसिन व्हील, प्लस मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन बटरफ्लाई, स्माइली जॉय एंड द नॉट. अब माय ब्यूटीफुल पीपल समझिएगा, सबसे पहली चीज तो आपको अपने गोल्डन टाइम पीरियड पर क्या नहीं करना है उसके बारे में सुनिए. देखो अगर आप पेड़ पौधे लगाते हो, अगर आप मिट्टी से जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है. आप मिट्टी के अंदर वीक में एक बार अपने पैर हाथ जरूर करते हो. मिट्टी को कहीं ना कहीं आप अपने हाथों पैरों में लग जाती है, तो इट्स टोटली फाइन, आपका बहुत अच्छा है. लेकिन अगर नहीं करते हो तो आपको बोला जा रहा है दैट डू दिस प्लांटिंग गार्डनिंग एक वीक में, या वीक में यार महीना नहीं बोलूंगी, महीना ज्यादा हो जाएगा, वीक में एक दिन आपको गार्डनिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए. चाहे आप तुलसी का ही पौधा लगाइए, चाहे आप मीठा नीम लगाइए, चाहे आप मनी प्लांट ही लगाइए,
कुछ भी, लेकिन आपको कुछ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। मिट्टी के थोड़े से संपर्क में रहने की जरूरत है, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है हेल्प लेने के लिए और आपके पास है बट अगर आप फिर भी उनकी मदद ना करें तो इस चीज से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा देखी गई है और समझी गई है कि अगर आपके पास में कोई चीज होती है लेकिन अगर उसको आप लोगों से शेयर नहीं करते हो तो जो चीज आपके पास है ना वो कम होने लगती है धीरे धीरे और फिर एक दिन खत्म हो जाती है। सो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप जितना हो सके उतना माय ब्यूटीफुल पीपल जो आपके पास हो उसको शेयर करें, प्लस इस यूनिवर्स को कुछ ना कुछ देना जरूर पसंद करें। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गार्डनिंग आपको करनी चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आप अपने घर में ही थोड़ा बहुत मिट्टी ले लिया और कर लिया, नहीं। आप कितनी मंदिरों को देख सकते हैं, आप कितनी पार्क को देख सकते हैं, कितनी गार्डन्स को देख सकते हैं, आप वहां पे जाकर के पौधे लगाएंगे। अगर आपके लगाए हुए 10 से 15 पौधे फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के पनप गए ना, आपने लगाए और वो पनप गए, तो आप समझ जाना माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके दिन अब फिर गए हैं और ये परमानेंट फिरे हैं, ठीक है। परमानेंट अच्छे डेज आपके आए, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को प्लांट देते हो या आप यूनिवर्स को अगर कुछ ऐसा देते हो जो काफी लोगों को और आगे चल करके सुख देगा, जैसे कि फ्रूट्स के पौधे। अब फ्रूट आएंगे तो जरूरी थोड़ी आप ही खाओगे, वहां तो निकलता हुआ हर इंसान खा सकता है, ठीक है। प्लस अगर आप फ्लावर्स देते हो तो आप यूनिवर्स को जो फ्लावर्स दे रहे हो, फ्लावर्स के अगर पौधे लगाते हो तो वो भी आपके लिए काफी बेहतरीन टाइम साबित हो सकता है। तो ये काम आपने जरूर करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, एक चीज और आपको बोली जा रही है, कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है ना तो हम उस पर डाउट करते हैं, ठीक है। वी स्टार्टेड एक्चुअली डाउटिंग द थिंग्स, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, सच में हो रहा है ना या सिर्फ मैं बेवकूफ बन रही हूँ। तो डाउट मत करना, इनसिक्योर मत होना। जब आपके साथ एक के बाद एक अच्छी चीजें होनी स्टार्ट हो जाए, ऑल दो मैं आपको बताऊंगी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए 2025 के दौरान, जब आपके साथ ये सब चीजें ऐसे होने लग जाए ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये सच में हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ गलत है या ये है या वो है फलाना ढिमकाना, नहीं। डोंट डाउट ऑन द प्रोसेस, क्योंकि टोक लग जाती है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके जो ऐसे रिश्ते हैं जो आपको समझते नहीं है, जो आपको ठीक से प्यार नहीं कर पाते हैं या जो आपको अच्छे से पॉजिटिवली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उन रिश्तों को या तो खत्म कर दीजिए, और अगर आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही करीबी रिश्ता है तो प्लीज मेक अ डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए। अपने मन की बातें उस सामने वाले को ना बोले, ये आपके लिए बहुत बेहद जरूरी चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो माय ब्यूटीफुल पीपल, देन श्योरली फॉर श्योर आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है ना वो कम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, कम टाइम के लिए रहेगा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं खिंच पाएगा। एक गोल्डन टाइम पीरियड एटलीस्ट 6 महीने 3 महीने तो रहना ही रहना चाहिए, 3 महीने या 6 महीने रहना ही रहना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं रह पाए ना, इसका मतलब ये कि आपने ये गलतियां कर दी हैं, कि आपने चैरिटी नहीं करी, आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए, आपने यूनिवर्स ने जो आपको दिया आपने यूनिवर्स को वो नहीं पकड़ाया, ठीक है, आपने अपनी ग्राउंडिंग नहीं करी यानी पेड़ पौधे नहीं लगाए, मिट्टी के संपर्क में नहीं रहे, आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो बटरफ्लाई के कार्ड से हमें पता लगती है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट चेंजिंग योर रूटीन, स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, अपना वार्डरोब चेंज करो, अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदलो, थिंकिंग पैटर्न को बदलो, ठीक है, कर्म करना डिफरेंट करो, मतलब यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, कुछ नया आपको ट्राई करने की जरूरत है, ठीक है, इस चीज को जरूर सोचना। तो अगर ये सब काम आप नहीं करते हो तो आपका गोल्डन टाइम पीरियड ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा, वो कुछ टाइम के लिए रहेगा और फिर निकल जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया है। चलिए, आपको मैंने एनर्जी बता दी, क्या करना है क्या नहीं करना है के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो आपके दिन कैसे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपके गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर आपको वो कौन सी एक चीज है जो डेफिनेटली मिल करके ही रहेगी। ओके,
मैं क्या देख रही हूँ ना यहाँ पर कि आप एक बहुत सीधे साधे इंसान हैं। आपको किसी से बहुत ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, और लोग आकर के आपकी जिंदगी के ऊपर यू नो रिबेल बनते हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपके ऊपर डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर दादागिरी करते हैं लोग, है ना। चाहे आप कुछ अच्छा करें चाहे आप बुरा करें, लोग आके बार 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 दादागिरी करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। सो पाइल नंबर वन पीपल गाइस, जिन्होंने एमेथिस्ट को पिक किया था, इस क्रिस्टल को पिक किया था, आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाएंगे। रिबेलियस होने का मतलब है कि आप इस ऊर्जा में हो जाएंगे धीरे धीरे, लाइक स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे आप काफी ज्यादा रिबेलियस हो जाएंगे। अगर आपके पास पावर है, पैसा है, अच्छे लोगों का साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चीजों को लेकर के काफी ज्यादा शांत प्लस रिबेलियस हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी 360 टर्न ले चुकी होगी, 360 बदल चुके होंगे आपके थॉट प्रोसेस, आपका पहनने उठने बैठने बोलने का तरीका, आपकी लाइफ। ओके, तो दिस विल बी योर लाइफ अपडेट इन द गोल्डन टाइम पीरियड। नाउ लेट मी चेक वो कौन सी चीज है जो आपको, वो कौन सी एक चीज है, मिलने को तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन वो कौन सी एक चीज है जो आपको मिल करके ही रहेगी ड्यूरिंग योर गोल्डन टाइम पीरियड। लेट्स चेक। Knight of Swords, the King of Pentacles, Three of Swords, Eight of Pentacles, Bottom of the deck, Ten of Cups. देखो प्यार व्यार के लिए यहाँ पर कुछ नहीं आया है पाइल नंबर वन पीपल। इफ यू आर थिंकिंग कि लव से रिलेटेड कुछ है तो मैं बोलूंगी नहीं जी नहीं। आई एम सेंसिंग हेयर वेरी स्ट्रांगली कि हो सकता है कुछ टाइम पहले आपका दिल टूटा बहुत गंदा, ठीक है, या अभी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मतलब पिछले कुछ दिनों में आपका दिल टूटा है किन्हीं चीजों को लेके, कुछ रिश्ते कुछ नातों को लेकर के। तो प्यार व्यार से संबंधित मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना जो एक लाइफस्टाइल है वो ही कहीं ना कहीं चेंज कर लिया विद दिस थ्री ऑफ सोल्स का कार्ड। आपने अपने आप को ना अब इन सब चीजों से परे करके अपने करियर पे पूरा फोकस कर लिया है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। आप करियर को लेकर के मेहनत करे जा रहे हैं, बहुत करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और इस मेहनत का ना अब आपको फल मिलने वाला है। वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जिंदगी में क्या है वो एक चीज जो आपको मिलकर के रहेगी ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दिस इज 100% मनी। आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, एक अच्छी जॉब या एक अच्छा बिजनेस होगा जिसके अंदर आप लोगों को सीख दे रहे, सलाह दे रहे, सिखा रहे हैं, प्लस अच्छा खासा मनी बना रही है। आप देख सकते हो मैच्योर पर्सन वाइज हूँ, बिकॉज बाल और जो इनकी दाढ़ी है, बियर्ड है, वो एकदम सफेद है। ही ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल ये जर्मन शेफर्ड या फिर हस्की जैसी वाइब दे रहा है मुझे, वॉल्फ जैसी एनर्जी। एंड इनके पास में देखो कितनी सारी बुक्स है, नॉलेज है, रेड कलर दैट मीन्स पैशन है, ओके, एंड पेंटिकल दैट मीन्स मनी है, और भाई ये तो है ही किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके साथ है, यानी कि आपकी जिंदगी में एक चीज गोल्डन टाइम पीरियड के दौरान होने वाली है, और वो है अथा पैसा, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, या आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस चल निकलेगा, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, बैंक बैलेंस और इन सब चीजों का मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्टली आई एम सीइंग हियर। नाउ कुछ और चीजें जो आपको, ये तो एक चीज ऐसी है जो आपको मिलकर के ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, इस चीज को आपसे कोई नहीं छीन सकता, इन एनी हाउ कोई भी नहीं छीन सकता इन चीजों को आपसे, ठीक है। Now from the manifestation deck, we have dreams, confidence and commitment. Bottom of the deck, blessings. So blessings from the divine. आपके जितने भी सपने वो पूरे होंगे, आप बहुत confident और rich feel करेंगे, plus आप committed feel करेंगे towards your responsibilities, towards the thing which divine wants to give you. Okay, कहीं ना कहीं I'm seeing कि आप बहुत passionate, hopeful, positive, और बहुत ही ज्यादा यू नो गुड महसूस करेंगे आप समहाउ ना अपनी लाइफ को एक अलग पैटर्न में देखेंगे। ओके,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम साईं बाबा की तरफ से एक और गाइडेंस देखेंगे, मूनोलॉजी आपसे क्या कहती है इस समय की एज पर द गाइडेंस. व्हाट यू नीड टू रिलीज, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. परमात्मा खुद पहले पूछते हैं कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है. मैं सच्ची बताऊं, मैंने हमेशा इस कार्ड के साथ इस कार्ड को आते हुए देखा है अपने आप. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू रिलीज, नेगेटिविटी को रिलीज करने का समय है. परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं दैट न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओके, सो न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू. सो पाइल नंबर, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, हो सकता है आपने इसीलिए एमेथिस्ट को पिक किया है क्योंकि एमेथिस्ट का काम होता है क्लिंस करना, और यहां पर आया भी है कि व्हाट यू नीड टू रिलीज, तो क्लिंस करने के लिए आपके लिए यहां पर आया. आप एक काम कर सकते हैं, एमेथिस्ट का ऐसा कोई क्रिस्टल आप अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन तरीके से मंगा सकते हैं. अब इसको ना सॉल्ट वाटर के अंदर सोक करके रख दीजिए, और रात को सोने से पहले ना अपने थर्ड आई पर इसको रखा कीजिए. ठीक है, एंड फील किया कीजिए कि कुछ नेगेटिव है जो आपकी थर्ड आई से होते हुए इस क्रिस्टल के अंदर जा रहा है ना. आपने क्या करना है, फिर आपने आराम से सो जाना है. नेक्स्ट डे इसको पूरे दिन आप सॉल्ट वाटर के अंदर सोक करके रखिए, और फिर रात को वही तरीका करके फिर से सो जाइए. आप ऐसा करोगे ना, आई एम डेफिनेटली फॉर श्योर 100% श्योर कि आपको कहीं ना कहीं आपके ओवर थिंकिंग पैटर्न में, नेगेटिव चीजों में बहुत आराम मिलेगा. ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, इट विल बी अ बेनिफिशियल रेमेडी फॉर यू. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, योर गोल्डन टाइम पीरियड इज अबाउट टू स्टार्ट. कब स्टार्ट होने वाला है, मैंने इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक इन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी आपको हो सकता है मिल जाए. ठीक है, तो आप वहां से जाके चेक इन जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो, एंड डेफिनेटली कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूले. सो लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग. आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, इफ यू पिक दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, अगर आपने इस टाइगर आई को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग. आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, एंड देखते हैं कि आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो कैसे शुरू होगा, कब शुरू होगा, आपकी एनर्जी उस समय क्या होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी उस वक्त, आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका गोल्डन टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा टिके, क्योंकि एक गोल्डन टाइम पीरियड 3 से 6 महीने तो टिकता ही है. ओके, सो गोल्डन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम है जिस टाइम के अंदर आपकी जिंदगी में सब बेहतरीन होता है. आप किसी चीज को खराब भी करोगे ना तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी. ओके, सो गोल्डन टाइम पीरियड इज द मच अवेटेड टाइम पीरियड ऑफ एवरी ह्यूमन्स लाइफ, एंड ये आपकी जिंदगी में तकरीबन 3 बार आता ही आता है. अब कुछ ह्यूमन्स क्या करते हैं ना, इन अब 3 बार कोई चीज आपको मिलने वाली है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपको मिली तो आपको उसका ज्ञान नहीं था और आपने उसको वेस्ट कर दिया somehow. ठीक है, या फिर आप वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, क्यों, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां ऐसी हो गई. तो आज हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 2025 में कौन सा टाइम पीरियड आपका गोल्डन टाइम पीरियड होगा. सो इस चीज को आपने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है. कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, कुछ चीजें भी बताऊंगी, डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे. सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों ने पिक किया है द ब्यूटिफुल टाइगर आई को, एंड टाइगर आई को पिक किया है तो चलो जी शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और देखते हैं आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड कैसा साबित होगा. सो सबसे पहले लेट मी चेक कि आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड है गाइस, जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड है उस वक्त आपकी एनर्जीज कैसी होंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है बट अगर रिजल्ट्स रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि मैं आपको जो सारी की सारी चीजें और रेमेडीज बताती हूँ आप फुल पॉजिटिव कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आप ओवरथिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी रिजल्ट्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं देन डेफिनेटली आपको अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स करानी चाहिए. जरूरी नहीं आप मुझसे कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स कराओ,
ऐसा कराने से होगा क्या, ऐसा कराने से होगा ये कि आपका पता लग जाएगा कि कोई दोष वगैरह चल रहा है या कोई दिशा का फर्क पड़ रहा है या एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग, सब लोगों के लिए मैसेजेस है, वो आपकी पर्सनल होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। हे ईश्वर गाइड करिएगा फॉर द पाइल नंबर टू। जब इनका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो इनकी ऊर्जा कैसी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 10 ऑफ सोर्ड्स। सब चीजों को मारो झाड़ू और गोली और चलो आगे बढ़ो। वो वाली ऊर्जा। क्या बात है, क्या बात है। वो गाना नहीं है गोली मारो दुनिया को। बस वही वाली बात है। आपकी जिंदगी में जो भी अनवांटेड सा आपको लगे ना, मैं ये तो आपको सलाह सभी लोगों को दूंगी, पाइल नंबर टू पीपल, कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार ये ना ये मेरी जिंदगी के अंदर ग्रहण है, या ये रिश्ता ना मेरी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या ये इंसान ना मेरी जिंदगी में पनौती है। ऑल दो पनौती जैसा कुछ नहीं होता, बट कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ इंटेंशंस और सामने वाले की इंटेंशंस कुछ इतनी खराब हो जाती हैं कि हमारा मन ऐसा कहने लगता है कि भैया इसके साथ नहीं रहना मैंने, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट मेक सम डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज पीपल प्लस दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि जब थोड़े से डिस्टेंसेस मेंटेन होंगे ना तो आप जिंदगी को एक अलग तरीके से देख पाएंगे। अगर आपकी तरह कोई ना बदल पाए और आप चाह करके भी उनकी तरह नहीं हो सकते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ी सी उनसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप आज उनसे दूरी नहीं बनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा फैक्टर है जो खो देंगे। इस चीज को याद रखिएगा। मुझे नहीं पता मैंने ये चीज आपसे क्यों शेयर करी, बट मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है, तो मैंने इसलिए कहा। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। सबसे पहली ऊर्जा, जब आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा पाइल नंबर टू, आप अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा व्यस्त। मतलब न सुबह का पता लग रहा है, न शाम का पता लग रहा है, न रात का पता लग रहा है, खाने पीने का पता नहीं लग रहा है, खाने पीने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, 3-3 घंटे ही सो रहे हो, 2-2 घंटे ही सो रहे हो, ठीक है, लगे हुए हो ज़ॉम्बीज की तरह काम में लगे हुए हो। मुझे आप अपने गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर मजे करते हुए नजर नहीं आ रहे पाइल नंबर टू। मुझे आप अपने गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर अपनी हिस्ट्री लिखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी विक्ट्री की यू नो सीढ़ियां, जो जो आपकी स्टेयरकेस होता है वो बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप अपने गोल्डन टाइम पीरियड में किसी प्रकार की फाउंडेशन का निर्माण करेंगे, किसी प्रकार की नींव का निर्माण करेंगे, और उस नींव के ऊपर आप एक बड़ा सारा खूबसूरत इमारत बनाने वाले, खूबसूरत इमारत जो कि आपकी विक्ट्री की इमारत होगी, यानी कि मैं कहूं कि आपकी जीत की इमारत होने वाली। आप बहुत बिजी होंगे, बहुत बिजी होंगे, ठीक है, आपके पास विल्ला बैठने का कोई टाइम ही नहीं होने वाला है, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट होगा। इवन आप लोग देख लेना यकीन से, 100% आई एम श्योर आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी देश विदेश घूमने की या ट्रैवल पे जाने की, टूर्स पे जाने की, ठीक है। आपका बड़ा मन करेगा दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, बट कहीं ना कहीं आपकी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन चीजों को रोक देंगी। और पता है आपका मन होगा कि मुझे जाना है, लेकिन आप रुकोगे, लेकिन आप रुकोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आप खुश होगे कि बढ़िया रहा मैं नहीं गया, बढ़िया रहा मैं नहीं गई, चली जाती ना तो ये चीज मेरे हाथों से मिस हो जाती। इस गोल्डन टाइम पीरियड की एक खासियत मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो अभी हाल फिलहाल हो सकता है, आप लोग बहुत थके हारे बेजान से रहते हैं, बहुत आलस आता है, शरीर दुखा दुखा टूटा टूटा रहता है, ये सब सोचने के टाइम नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ ऐसी सिचुएशन रहेगी, करो या मरो, कर लो या छोड़ दो, ठीक है, करना है मीन्स मुझे करके दिखाना है, ऐसी वाली ऊर्जा आपकी काफी ज्यादा रहेगी। आप चीजों को लेकर के काफी ज्यादा यू नो पैशनेट होंगे। ओके, आपकी लाइफ के अंदर अचानक से इतना काम, इतनी चीजें आ जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि किसी एक चीज से आप नहीं कमा रहे होंगे, आप बहुत सारी चीजों से कमा रहे होंगे, या मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा कि आपके पास एक अर्निंग का सोर्स नहीं होगा। यू विल हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज इन योर लाइफ टू अर्न द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इवन
आई एम फीलिंग कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे अपने गोल्डन टाइम पीरियड में जिसकी वजह से आपके घर वालों को आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा. ठीक है, वो तो हम बात करेंगे कि कौन सी एक चीज है जो आपको मिल करके रहेगी ड्यूरिंग दिस टाइम. लेकिन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप कुछ ऐसी बहुत सारी छोटी 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 चीजें या एक जिंदगी के छोटे छोटे माइलस्टोन, कैसे गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, अच्छे इंसान के साथ शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी उनको अच्छी शिक्षा देनी है, फिर उनको तैयार करना है, ठीक है, उनकी हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशंस करनी है, फिर उनकी शादी करनी है ना. तो ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, आप कहीं ना कहीं इनमें से काफी माइलस्टोन्स कंप्लीट कर देंगे ड्यूरिंग योर गोल्डन टाइम पीरियड. ठीक है, एक चीज और, आप यही नहीं करेंगे अभी तो, आप और भी कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो कि निस्वार्थ होंगी. निस्वार्थ होने का मतलब है मेरा कि जैसे कोई ऐसी चैरिटी या कुछ ऐसा योगदान या कोई ऐसा श्रम दान आप करेंगे. दान की ऊर्जा स्पेसिफिक है, जैसे कि श्रम दान, रक्त दान, ठीक है, और अंग दान, मतलब दान से रिलेटेड कुछ है, आप कुछ दान करेंगे इस टाइम पीरियड में. ओके, सो दीज विल बी योर एनर्जीज. अब हम चेक करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड गाइज, ये जो अभी मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए पुल कर रही हूं, इसमें मुझे कम से कम 1-2 मिनट लगेंगे. तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप देख सकते हो शफलिंग, एंड इफ यू डोंट लाइक शफलिंग देन डेफिनेटली टैप टैप कर दीजिए. ईश्वर गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2. कैसी लाइफस्टाइल होगी पाइल नंबर 2 वालों की. बॉटम ऑफ द डेक द गाइडेंस. सही बात है, कॉम्प्रोमाइज तो करोगे. कैसा सा लगता है ना जब सब तो मजे कर रहे हैं और हमें कोई बोलते भाई तुमको नहीं जाना. सब तो मजे करने जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी, हम काम में लगे हुए हैं. क्या आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम. बॉटम ऑफ द डेक द स्टार एंसेस्टर्स, स्टार नेशन, द स्टार एंसेस्टर्स की ऊर्जा. अपने आप गिरे तो इनको लेना तो बनता है. बॉटम ऑफ द डेक द रिलेशनशिप नोट एनर्जी. ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, स्टार्ट करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है. देखो, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी बेहतरीन और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना. लेकिन उन लोगों के साथ हमारे जो रिश्ते होते हैं, या तो वो कभी ठीक नहीं रह पाते, या फिर ऐसा होता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं होता. ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आप भी किन्हीं ऐसे ही रिश्तों के अंदर उलझे हुए हैं जहां पर या तो हो सकता है कि आपका उस रिश्ते के अंदर फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, फ्यूचर नहीं आपको डिसाइड हो पा रहा है कि आगे होगा क्या, या ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के लिए तो बेहतरीन रिश्ते साबित हो रहे हैं लेकिन आपके लिए नहीं है. पाइल नंबर 2 पीपल, आपको ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा दूर रखने की जरूरत है. स्टार्टिंग में मैंने शायद इसीलिए आपको ये गाइड किया था क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आपके लिए काफी ज्यादा नेसेसरी थी ये चीज. ओके, ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत. पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि जब हमारी जिंदगी के अंदर हम थोड़ा सा उन्नति हासिल करने लगते हैं तो हमसे वो चेंज ना बर्दाश्त नहीं हो पाता और हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है चीजों को लेकर के. आपको उस ईगो से बचना है, जैसे लोगों की मैंने स्टार्टिंग में व्याख्या करी थी, ऐसे लोगों से आपको बचना है. ठीक है, थर्ड, आपको अपने घर में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है. फोर्थ,
आपको आपके घर का ऑरा हमेशा क्लीन रखना है। आप अपने घर का ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हो मैं बताती हूँ। आपने लेनी है कपूर, ठीक है, उसके अंदर आपने डालनी है लौंग और उसके अंदर आपने डालनी है छोटी सी सिनेमन स्टिक, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। अब आपने इस चीज को जलाना है, ठीक है, और कपूर को आपने पूरा जलने नहीं देना है, थोड़ा सा ही जलने देना है, ठीक है। थोड़ा सा जला, उसको तुरंत बुझा दो और अब जो इसके अंदर लौंग और सिनेमन स्टिक है ना, उसकी धुआं पूरे घर में कर दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, गोबर का एक उपला लेना है, ठीक है, छोटा सा कंडा। भाई ध्यान से कीजिएगा, सोच समझ के अच्छे से कीजिएगा ये वाली रेमेडी। एक छोटा सा आपने कंडा लेना है उपला, ठीक है, उसको आपने गैस पे रखना है और गैस ऑन करनी है। अब आराम से उस उपले को आप आंच में सेक लीजिए, ठीक है। सेकने के बाद उसके ऊपर आपने क्या डालनी है, ड्राई कपूर आती है, ड्राई कपूर का पाउडर आता है, ठीक है, वो आपने डालना है और उसी के ऊपर आपने लौंग और छोटी सी सिनेमन स्टिक डाल देनी है। अब इस धुएं को आप पूरे घर के अंदर कर दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन क्लेंज योर होम। और ये सब नहीं करना है ना तामझाम, तो एक काम करना, आप स्टार्ट करो, आपने गंगा जल लेना है, उसको अपने पूरे घर में छिड़क दो, ठीक है, अपने वॉशरूम को छोड़ के। या वो भी आपको नहीं करना है तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आपने लिया गंगा जल, उसके अंदर डाला भर करके पानी। अब आपने क्या किया, किसी भी आप जगह पर बैठ करके आपने आराम से हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ठीक है, और आरती हनुमान जी की करी, वो पानी का लोटा वही रखा हुआ है, इस पानी को लो और पूरे घर में छिड़क दो। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लींस योर होम, ठीक है जी, ये आप करना स्टार्ट करो। इनमें से कोई से भी रेमेडी आप कर सकते हो, सारी की सारी बहुत अच्छी है, जो आपको सेफ, सिक्योर और इजी लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, घर की क्लींजिंग, घर की सफाई का पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान आपने रखना है, ओके। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड आपका होगा, जो ये गोल्डन टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, ये गोल्डन टाइम पीरियड आपकी जिंदगी में ना कि सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आएगा, इसके साथ साथ भरपूर काम लेकर आ रहा है। लेकिन भरपूर काम के साथ साथ आई एम फीलिंग कि आप काफी ज्यादा इनलाइटेड फील करेंगे, परमात्मा से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। और माय ब्यूटीफुल पीपल, इस टाइम के अंदर ना आपके आसपास एंजल्स हमेशा मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस वक्त आपको एंजल्स की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, ओके। सो रेजिलेंस का कार्ड है यहाँ पर, आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है विद दिस कार्ड ऑफ रेजिलेंस, कि आपने किसी भी चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है। जब हमारे साथ सब कुछ बढ़िया होने लगता है तो हम डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उन डाउट्स के अंदर नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो चीजें हैं जो आपको करनी है और नहीं करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड के दौरान टाइम कैसा होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। पहली बात तो ये कि आप अपने सारे टूर ट्रैवल और ये वो सब पोस्टपोन कर देंगे। इवन आप सिर्फ और सिर्फ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, मेरी तो लाइफ कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पे चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको ऐसा फील होगा। आप काफी ज्यादा सिक्योर भी फील करेंगे एंड आप काफी ज्यादा यू नो टोटैलिटी, यानी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ महसूस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इवन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को देखेंगे बदलते हुए तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपका परमात्मा की तरफ विश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, लेट मी टेल यू वो कौन सी चीज है जो आपके गोल्डन टाइम पीरियड में आपके साथ होती होके ही रहेगी या आपको मिलकर के ही रहेगी। King of Cups, Ace of Pentacles, the Emperor and the Star. Bottom of the deck है यहाँ पर the Three of Wands. भैया आप लोग अपना घर ले लोगे इस टाइम में, ठीक है। Pile number two people, आप अपना घर ले लोगे, ओके, या आप अपना प्लॉट ले लोगे और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपका ऑलरेडी घर है तो आप निवेश करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड आपका जो ये इन्वेस्टमेंट होगा ये आपको भरपूर पैसा देगा, भरपूर पैसा। या फिर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर देख पाओगे और आपके पास भरपूर पैसा होगा। देखो लव की ऊर्जा मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लव की ऊर्जा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आप स्टेबल होंगे, सेटल होंगे,
अपनी लाइफ में, या तो घर बना चुके होंगे जैसा घर आप बनाना चाहते हैं, या फिर आप इस गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन लैंड्स, अगर आप ऑलरेडी घर के मालिक हैं तो, आपका खुद का घर है तो लैंड्स आप लेंगे, ठीक है, फ्लैट ले रहे हैं, लैंड्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल, इसके साथ साथ फॉर द 95% पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आप लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे, निवेश करेंगे, ठीक है, या घर बनाएंगे. एंड फॉर द ओनली 5% पीपल आई एम सीइंग हियर कि आप घर वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत सारा पैसा क्रिएट करेंगे और उसको बैंक के अंदर जो आपकी ऐसी इनकम होती है ना जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे आप इंटरेस्ट रेट पे डालना शुरू करेंगे. सो अगेन एक और चीज यहाँ पर उठकर आती है विद द कार्ड ऑफ एम्परर कि आपके पास इतना पैसा होगा दैट आप निवेश कर रहे हो, या मैं ऐसा कहूं कि आपके पास इतना पैसा होगा जिसको आप लगा पा रहे हो, आप घर बना पा रहे हो, ठीक है. तो माय ब्यूटीफुल पीपल दिस विल बी द मोस्ट फेवरेबल चेंज जो कि होकर के ही रहेगा आपके टाइम पीरियड में. नाउ आपके लिए यहां पर है आपके लिए यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जिसके अंदर एक न्यू रोमांटिक पार्टनर है, कॉन्फिडेंस है, एंड आप लोगों को ये दिखा पाओगे कि भैया आप किस खेत की मूली हो, आप एवे एरे गेरे नहीं हो, आप बहुत सक्षम हो, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो. Now, my beautiful people, let me check. आपको साईं बाबा क्या कहते हैं? आपको साईं बाबा कहते हैं, do not be fooled by the false guru, trust in Baba. यानी कि जितने भी आपके आसपास रहने वाले ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको फालतू का ही ज्ञान देते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना है. अपने पॉजिटिव बाबा या अपनी खुद की एनर्जीज के ऊपर आपने फोकस करना है, एंड हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर आप अपने आसपास के रहने वाले सभी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, सो समहाउ, जैसा कि मैंने आई थिंक पाइल नंबर 1 में बोला था कि अगर हमारे पास कोई चीज होती है लेकिन उसका हम सदुपयोग ना करके लोगों की हेल्प नहीं करते हैं, तो somehow वो चीज हमारी लाइफ से धीरे धीरे खत्म होने लगती है. वही कुछ ऐसा है यहाँ पर. तो सबको इक्वली ट्रीट करें, ठीक है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट मी चेक इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग. ये चलो घर आप बनाओगे, आप जमीनें लोगे, ये तो चलो एक बात है ही, इसके साथ साथ और कुछ जो आपको मिलेगा इस टाइम पीरियड में, आपको मिलेंगे भर भर के ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव पीपल एंड पीस, यानी कि शांति. ये चीजें आपको बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे इस टाइम में, ठीक है. सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने कैट आई टाइगर आई को अगर पिक किया था, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू वेरी वेल. अगर ऐसा हुआ है देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और हम ना फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों को दिखेगी एक स्लाइड जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और उसके साथ साथ है कि 2025 में कौन सा टाइम पीरियड आपका गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा. आई होप अभी आपको वो दिख रही होगी. सो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें. आप इस टाइम जो टाइम स्लाइड आपके पास है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव.